दोस्तों, आज हम लोग बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए इंडियन नेशनल पार्क और सेंचुरीज का क्या योगदान है उस विषय पर चर्चा करते हैं। टॉपिक का नाम है इंडियन नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। सबसे पहले देखते हैं हम एक्चुअल में बायोडायवर्सिटी क्या है। तो बायोडायवर्सिटी शब्द को दिया है वाल्टर जी रोसेन नामक साइंटिस्ट ने 1987 में। एक्चुअल में जो बायोडायवर्सिटी है, इसमें सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से स्ट्रक्चर, हैबिट, शेप और साइज में वेरिएशन शो करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म के संरचना में, उसके आवास में, उसके शेप में और उसके साइज में हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक्चुअल में इस प्रकार का जो वेरिएशन है, जो विविधता है, उसी को हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एक अनुमान के अनुसार ये माना जाता है कि एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में जो बायोडायवर्सिटी है वो 30 मिलियन के आसपास है। एस्टिमेटेड बायोडायवर्सिटी 30 मिलियन के आसपास है। लेकिन इतनी अधिक बायोडायवर्सिटी में अभी तक जो नॉन बायोडायवर्सिटी है, जो हमको ज्ञात है बायोडायवर्सिटी, वो केवल 1.7 से 1.8 मिलियन के आसपास है। इतनी बायोडायवर्सिटी का हमको पता है और बाकी की बायोडायवर्सिटी अभी हमको ज्ञात नहीं है। हम बोल सकते हैं कि लगभग जो है 20% बायोडायवर्सिटी अभी नॉन है और लगभग 80% बायोडायवर्सिटी अभी अननोन बायोडायवर्सिटी है। जो बायोडायवर्सिटी है, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका की जो तकनीकी निर्धारण समिति है 1987, इसके अनुसार बायोडायवर्सिटी एक्चुअल में इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं कि बायोडायवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली डायवर्सिटी, विषमता एवं इकोलॉजिकल जो जटिलता है उसको हम कहते हैं। बायोडायवर्सिटी ऑर्गेनिज्म में पाई जाने वाली डायवर्सिटी, उसकी विविधता, विषमता और पारिस्थितिक जटिलता होती है, इसको हम बायोडायवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो वाल्टर जी रोसेन के अनुसार बायोडायवर्सिटी जो है प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की विविधताओं के लिए किया जाता है इसका प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसेन नामक साइंटिस्ट ने। अब हम आगे देखते हैं कि बायोडायवर्सिटी इन इंडिया, हमारे इंडिया में बायोडायवर्सिटी कैसा है या बायोडायवर्सिटी किस प्रकार से है। तो हमारी जो इंडिया है, ये बायोडायवर्सिटी से रिच कंट्री है, बायोडायवर्सिटी से भरपूर कंट्री है। हमारी इंडिया में बहुत रिच बायोडायवर्सिटी देखने को मिलती है, जो वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी का लगभग जो है 10वें स्थान पर है हमारे देश का पोजीशन। हमारे देश में जो बायोडायवर्सिटी है, ये वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी के 10वें पोजीशन पर है। और अगर हम कॉन्टिनेंट के रूप में देखें तो हमारा जो कंट्री है एशिया कॉन्टिनेंट में आता है और एशिया कॉन्टिनेंट में हमारे इंडिया की बायोडायवर्सिटी चौथा स्थान रखती है, इसका स्थान चौथा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार जो इंडिया में वर्ल्ड की बायोडायवर्सिटी का 7% प्लांट स्पीसीज पाई जाती है। पूरी हमारी वर्ल्ड में जो बायोडायवर्सिटी है उसकी 7% प्लांट स्पीसीज की डायवर्सिटी इंडिया में है। लगभग 47,000 प्रकार के स्पीसीज हैं प्लांट्स के। और वैसे ही 6.5% बायोडायवर्सिटी वर्ल्ड की जो है हमारे इंडिया में मिलती है। और एनिमल स्पीसीज की जो डायवर्सिटी है ये लगभग 81,000 के आसपास है। 81,000 प्रकार की स्पीसीज हमको इंडिया में देखने को मिलती है। हम इसको प्लांट और एनिमल के कैटेगरी या ग्रुप के बेस पे हम डिवाइड करें तो जो प्लांट की बायोडायवर्सिटी है उसमें एंजियोस्पर्म के प्लांट लगभग 17,500 प्रकार के हैं। जिम्नोस्पर्म की लगभग 64 स्पीसीज पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स की 1,200 स्पीसीज है।
ब्रायोफाइट्स की 2584 स्पीसीज हमको देखने को मिलती है इंडिया में, लाइकेन की 2000 स्पीसीज है और फंजाई की 14,500 स्पीसीज इंडिया में हमको देखने को मिलती है। इसी प्रकार से एल्गी की लगभग 2500 स्पीसीज और बैक्टीरिया की लगभग 850 स्पीसीज हमको देखने को मिलती है। ये प्लांट की बायोडाइवर्सिटी है इंडिया का पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के 2000 के आंकड़े के अनुसार। इसी प्रकार से जो एनिमल की बायोडाइवर्सिटी है, इसमें मैमल्स की लगभग 340 स्पीसीज है इंडिया में, बर्ड्स की लगभग 1200 स्पीसीज पाई जाती है, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की लगभग 1400 स्पीसीज है इंडिया में, फिशेस की लगभग 2000 स्पीसीज है, इनवर्टिब्रेट्स की लगभग 6500 स्पीसीज मिलती है इंडिया में और इंसेक्ट की लगभग 50,000 स्पीसीज हमको देखने को मिलती है। तो ये इंडिया में एनिमल की बायोडाइवर्सिटी है जो लगभग वर्ल्ड के बायोडाइवर्सिटी का 6.5% है, और इसी प्रकार से प्लांट की बायोडाइवर्सिटी वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी का लगभग 7% है, और हमारी जो इंडिया की डाइवर्सिटी है ये बहुत रिच है। बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से हमारी कंट्री बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्री है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के प्रकार, कितने प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। पहला होता है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, दूसरा होता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और तीसरा है कम्युनिटी और इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। तीन प्रकार की बायोडाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है, इसमें एक स्पीसीज विशेष के अंतर्गत संगठन के सूक्ष्मतम स्तरों पर पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी को जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी एलील्स, कंप्लीट जीनोम या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर में स्पीसीज में उपस्थित होती है या एक ही स्पीसीज के अंदर होने वाली विविधता है। एक स्पीसीज के अंदर होने वाली विविधता को हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी में किसी विशिष्ट क्षेत्र में उपस्थित स्पीसीज की संख्या एवं रिचनेस को उस क्षेत्र की स्पीसीज डाइवर्सिटी कहते हैं। इस प्रकार की डाइवर्सिटी का मापन उस क्षेत्र में उपस्थित स्पीसीज की संख्या के आधार पर किया जाता है। तीसरा होता है कम्युनिटी और इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इस प्रकार की डाइवर्सिटी के अंतर्गत बायोलॉजिकल कम्युनिटी में वेरिएशन, उसमें जिसमें स्पीसीज रहते हैं, इकोसिस्टम जिसमें कम्युनिटी आते हैं, इन सब का वेरिएशन कम्युनिटी या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंतर्गत हम रखते हैं। यह बायोलॉजिकल कम्युनिटी में वेरिएशन को बतलाता है। इस प्रकार की डाइवर्सिटी को निम्न तीन स्तरों में डिवाइड कर सकते हैं, हम तीन प्रकारों में इसको फिर से डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा बायोडाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी ऐसी डाइवर्सिटी है जिसमें किसी विशिष्ट कम्युनिटी के अंतर्गत पाई जाने वाली डाइवर्सिटी को अल्फा डाइवर्सिटी कहते हैं। इस प्रकार की डाइवर्सिटी उन जीवों की डाइवर्सिटी को इंडिकेट करता है जो इक्वल कम्युनिटी या हैबिटेट का हिस्सा होते हैं। दूसरा होता है बीटा डाइवर्सिटी। इस प्रकार की डाइवर्सिटी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वेरिएशन के कारण या हैबिटेट में चेंज के कारण कम्युनिटी में उत्पन्न होती है, तब इसको हम नाम देते हैं बीटा डाइवर्सिटी का। इसके अलावा गामा डाइवर्सिटी ऐसी डाइवर्सिटी है जिसमें रीजनल डाइवर्सिटी को हम सम्मिलित करते हैं, इसे रीजनल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इस प्रकार की डाइवर्सिटी एक रीजन में उपस्थित कुल हैबिटेट के स्पीसीज के रिचनेस को इंडिकेट करती है। तो बायोडाइवर्सिटी हमको इतने प्रकार का देखने को मिलता है। आज वर्तमान समय में हमारी बायोडाइवर्सिटी खतरे के कगार पर खड़ी है, और जिसका प्रमुख कारण है हमारी मानव एक्टिविटी। हम अपनी सुख सुविधा के कारण
बायोडायवर्सिटी को लगातार खत्म करते जा रहे हैं, लगातार जंगल काटे जा रहे हैं, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होते जा रहा है, औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, और जिसके कारण लगातार हमारी बायोडायवर्सिटी घटती चली जा रही है। और उसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल स्पीसीज इंडेंजर्ड होने के कगार पर आज पहुंच गए हैं, विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए हैं। कुछ स्पीसीज विलुप्त हो भी गई हैं और बहुत सारी जो है विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो ऐसी स्पीसीज जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनकी बहुत कम प्रजातियां बची हुई हैं, बहुत कम बचे हुए हैं, जो ऐसे स्पीसीज को हम नाम देते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज का। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना। तो अगला देखते हैं हम हेडिंग जो है इंडेंजर्ड फ्लोरा और फौना। फ्लोरा और फौना, फ्लोरा मींस होता है हमारा प्लांट्स और फौना मींस होता है एनिमल्स। अकॉर्डिंग टू IUCN 2000 के अनुसार लगभग 11,040 प्लांट स्पीसीज इंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत हैं। ये भविष्य में विलुप्त तो हो सकती हैं अगर इनको हम प्रॉपर कंजर्वेशन नहीं देते हैं। तो इन स्पीसीज को प्रॉपर कंजर्वेशन की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है। और इसी प्रकार से IUCN का WCMC के अनुसार लगभग 60,000 प्लांट स्पीसीज ऐसे हैं जो इंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं, विलुप्तता के कगार पर हैं, और 2,000 एनिमल स्पीसीज वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये IUCN का WCMC एक ऐसा संस्था है जो रेड डाटा बुक को तैयार करती है, जिसमें आने वाले समय में विलुप्त होने के कगार पर उपस्थित पौधों और जंतुओं का उल्लेख होता है। तो इसके अनुसार लगभग 60,000 प्रकार की प्लांट स्पीसीज और 2,000 प्रकार की एनिमल स्पीसीज विलुप्त होने के कगार पर है। इनको प्रॉपर कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन देना हमारे लिए जरूरी है, और ये हम सबका कर्तव्य भी है कि हम अपने बायोडायवर्सिटी को बचाएं, उसको संरक्षण प्रदान करें, क्योंकि इसी से हमारा सर्वाइवल है। हमारा जीवन हमारे बायोडायवर्सिटी पर निर्भर है। बायोडायवर्सिटी से ही हमको सभी प्रकार की चीजें मिलती है जो हमारे दैनिक जीवन में जरूरी है या जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन बहुत जरूरी है, तो हम सबको इसके कंजर्वेशन के लिए प्रयास करना चाहिए और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए प्रयास हो रहा है। तो अगला पार्ट देख सकते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण। तो जैव विविधता का संरक्षण हम निम्न नेक्स्ट पार्ट है कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले संरक्षण का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंजर्वेशन, हमारे कंजर्वेशन का उद्देश्य क्या है। तो कंजर्वेशन का उद्देश्य है इकोसिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट को उसके नेचुरल स्वरूप में बनाए रखना। ये पहला उद्देश्य हमारा, इकोसिस्टम के जो अलग अलग कंपोनेंट है उसको उसके नेचुरल स्वरूप में बनाए रखना, ये हमारा कंजर्वेशन का उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है इंडेंजर्ड वैल्यूएबल एवं रेयर प्लांट एवं एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना। ऐसे स्पीसीज जो इंडेंजर्ड होने के कगार पर हैं, वैल्यूनरेबल हैं, मतलब भविष्य में हो सकते हैं, या जो रेयर स्पीसीज है, इन सब के प्लांट और एनिमल स्पीसीज को कंजर्वेशन प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना, ये हमारा उद्देश्य है। अगला जो उद्देश्य हो सकता है हमारा, सभी स्पीसीज के जीन पूल अर्थात वेरिएशन का कंजर्वेशन करना। जितने भी स्पीसीज है उसको जीन पूल को कंजर्व करना, यह हमारा उद्देश्य हो सकता है। अगला उद्देश्य हो सकता है ऑर्गेनिज्म का सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करना। जो भी हमारी बायोडायवर्सिटी में है प्लांट और एनिमल्स, उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन को बढ़ावा देना, यह हमारा उद्देश्य हो सकता है। इसके अलावा बायोस्फीयर के नेचुरल बैलेंस को बनाए रखना, यह हमारा उद्देश्य है। जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें प्लांट और एनिमल्स अगर नेचुरल कंडीशन में बने हुए हैं, उसमें हम उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, तभी हमारा बायोस्फीयर बैलेंस रह सकता है, नहीं तो बायोस्फीयर बैलेंस नहीं रह सकता। तो बायोस्फीयर को बैलेंस रखने के लिए भी कंजर्वेशन बहुत जरूरी है। हम कंजर्वेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो अगला देख सकते हैं मेथड ऑफ कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन का तरीका, तो मेनली कंजर्वेशन किया जाता है बायोडायवर्सिटी का दो प्रकार से। पहले को हम नाम देते हैं इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरे को हम नाम देते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन ऐसा कंजर्वेशन है जिसमें जो प्लांट या एनिमल स्पीसीज जिस हैबिटेट में है, जहां पर है, उसका वहीं पर हम कंजर्वेशन करने का प्रयास करते हैं, तब इसको हम नाम देते हैं इन सीटू कंजर्वेशन का। और एक्स सीटू कंजर्वेशन ऐसा कंजर्वेशन है जिसमें प्लांट और एनिमल स्पीसीज का कंजर्वेशन उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर किया जाता है, किसी दूसरे स्थान पर प्लांट और एनिमल स्पीसीज को शिफ्ट करके हम कंजर्वेशन करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे कंजर्वेशन को हम नाम देते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन का। तो मेनली दो प्रकार से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये किस प्रकार से हम करते हैं ये फिर देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ये दो प्रकार से हैं, जैसा आप जानते हो, एक को बोलते हैं हम इन सीटू कंजर्वेशन और दूसरे को बोलते हैं हम एक सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन हम चार पांच प्रकार से कर सकते हैं, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, सेक्रेड ग्रोव एंड सेक्रेड लैक्स और हॉट स्पॉट। इसके अलावा एक्स सीटू कंजर्वेशन में हम सम्मिलित करते हैं बॉटनिकल गार्डन्स को, जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, सीड बैंक है, जीन बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन, सेक्रेड प्लांट इन होम गार्डन्स और टेम्पल्स और वारशिप सेंटर्स, इनके सेक्रेड प्लांट्स जो हम लगाते हैं उनको। जो नेशनल पार्क है इंडिया में, ये नेशनल पार्क जो है भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत प्लांट एवं एनिमल को एक्सटिंक्ट होने से बचाने के लिए नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना की है। भारत में वर्तमान में हम देखें तो जुलाई 2017 तक कुल नेशनल पार्क की संख्या है 103 नेशनल पार्क हैं, जो लगभग 40,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। कुछ प्रमुख नेशनल पार्क जो इंडिया में हैं उसके संबंध में हम थोड़ा सा देखते हैं, स्टडी करते हैं। एक है कार्बेट नेशनल पार्क। ये कार्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 525 स्क्वायर किलोमीटर है। ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, जिसका एरिया है 1412 स्क्वायर किलोमीटर और ये एशियाटिक शेर के लिए शरण स्थली है। यहाँ पर एशियाटिक शेर हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कांजीरंगा नेशनल पार्क, ये आसाम के शिवसागर जिले में स्थित है, जो 430 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर एक सिंग वाले रिनोसारस का वास स्थान है। यहाँ पर एक सिंग वाले रिनोसारस पाए जाते हैं और बहुत सारे प्लांट स्पीसीज हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सुंदरबन नेशनल पार्क है, ये पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में स्थित है, जो 2585 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर मैनग्रोव वेजिटेशन हमको देखने को मिलती है। ये यहाँ पर जो है इस नेशनल पार्क में गंगेटिक डॉल्फिन, एस्चुरियन क्रोकोडायल आदि पाए जाते हैं, तो ये मैनग्रोव वेजिटेशन के लिए प्रसिद्ध है सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट जिले में स्थित है, जो 940 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर टाइगर और चीतल ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। टाइगर और चीतल के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है डेचिगम नेशनल पार्क। डेचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर हंगुल, कश्मीरी स्टैंग, कश्मीरी मृग, स्नो तेंदुआ और काला भारू की शरणस्थली है। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वेजिटेशन के लिए रिच है। पलामू नेशनल पार्क, ये झारखंड के पलामू जिले के बेतला क्षेत्र में स्थित है और बाघ और हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इन सभी नेशनल पार्क में
बहुत सारे वेजिटेशन भी हमको देखने को मिलते हैं, बायोडायवर्सिटी से रिच एरिया होते हैं नेशनल पार्क। अगला जो नेशनल पार्क है यह है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है, जो 874 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यह भी हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला जो है डेजर्ट नेशनल पार्क, यह राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है, जो 3000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यहां पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, काली गर्दन वाली बगुला आदि के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर हमको रेगिस्तानी बिल्ली, बगुला, लोमड़ी, चिंकारा आदि देखने को मिलते हैं। जितने भी नेशनल पार्क हैं वो वेजिटेशन से रिच हैं, बहुत अधिक प्लांट की प्रजातियां वहां पर हमको देखने को मिलती है और ये कंजर्व्ड एरिया होता है नेशनल पार्क जो है। इसके अलावा हम देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क को। छत्तीसगढ़ में भी नेशनल पार्क है जिसकी कुल संख्या 3 है हमारे छत्तीसगढ़ में, और ये जो है पूरे वन क्षेत्र में फैले हुए हैं। छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्र है ये वन क्षेत्र 44.2% वन है यहाँ का कुल क्षेत्र। छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क, छत्तीसगढ़ देश का वन बाहुल्य एवं वन संपदा से संपन्न राज्य है। हमारे यहाँ बहुतायत में वन है, यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों की अधिकता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 44.21% भाग वनों का है, जिसका कुल क्षेत्रफल 59,772 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पर कुल 3 नेशनल पार्क और 11 सेंचुरीज हैं। पहला जो नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, ये बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो 1,258 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और यहीं पर राज्य पक्षी और राज्य का जो पशु है हिली मैना और वन भैंसा इसकी शरण स्थली है, ये यहाँ पर पाई जाती है, ये इंद्रावती नेशनल पार्क। इसके अलावा दूसरा नेशनल पार्क है हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो है ये नेशनल पार्क, कांगेर घाटी नेशनल पार्क ये बस्तर जिले में स्थित है, 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, लेकिन ये मेडिसिनल प्लांट से रिच है। ये पूरा एरिया जो है बहुत ज्यादा वेजिटेशन में हमको बायोडायवर्सिटी यहाँ देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन यहाँ पर मिलते हैं बस्तर का ये इलाका। इसके अलावा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जो 1,471 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, कोरिया और सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है ये नेशनल पार्क जो है, और यहाँ पर भी हमको वेजिटेशन अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो कुल 3 नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में, जिसमें 2 नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर क्षेत्र में, बस्तर संभाग में, और बाकी का जो तीसरा है गुरु घासीदास नेशनल पार्क ये हमको सरगुजा संभाग में देखने को मिलता है। इन इंडिया भारतवर्ष के अभ्यारण्य, भारतवर्ष में कुल 543 अभ्यारण्य है, सेंचुरीज की संख्या 543 है, जो 1,18,917 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। एक्चुअल में सेंचुरीज वो स्थान होते हैं जिनमें प्रायः एनिमल्स को कंजर्व किया जाता है, एनिमल्स को कंजर्व करते हैं ज्यादा करके इसमें हम, इनमें उन कार्यों की अनुमति दे दी जाती है जिनसे वाइल्ड एनिमल्स इफेक्टेड नहीं होते, जैसे सूखी इमारती लकड़ी की कटाई, वन्य उत्पादों का संग्रहण, इन सब कामों की अनुमति होती है इसमें। तो इस प्रकार से जो सेंचुरीज हैं इसकी कुल संख्या 543 है। प्रमुख सेंचुरी जो हैं इनका हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। एक सेंचुरी हमारे पास हमारी जो है शिकारी देवी सेंचुरी जो है हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है और यहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, कस्तूरी मृग की यह शरण स्थली है। इसके अलावा स्नो लियोपार्ड, हंगुल और भालू के अनेक स्पीसीज हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी रिच होती है सेंचुरीज में भी। इसके अलावा जो है चिल्का लेक सेंचुरी जो है उड़ीसा के बाल गांव में स्थित है
और ये बर्ड्स के लिए स्वर्ग कहलाता है। ये सेंचुरी जो है बर्ड्स की बहुत सारी प्रजातियां हमको देखने को मिलती है, जैसे कि वाटर फाउल्स है, बतख है, सारस है, सैंड पाइपर्स एक्सेस्ट्रा हमको देखने को मिलते हैं। अगला जो है इसमें पेरियार सेंचुरी, ये केरल में 1900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है पेरियार सेंचुरी जो है, और ये इडुक्की नामक स्थान पर है। 1900 फीट की ऊंचाई पर केरल में इडुक्की नामक स्थान पर पेरियार सेंचुरी है। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पर बाघ, जंगली भैंसा और बहुत सारे प्रकार के बर्ड्स भी हमको देखने को मिलते हैं। अगला सेंचुरी है जल्दापारा सेंचुरी, ये पश्चिम बंगाल के मदारी हाट नामक स्थान पर स्थित है, और रेनोसारस मतलब गेंडे की शरण स्थली है। यहाँ गेंडा हमको ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा बाघ, हाथी, तेंदुआ आदि भी देखने को मिलता है। इसके अलावा है मदुमलाई सेंचुरी, ये मदुमलाई सेंचुरी तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में स्थित है। ये सांपों के लिए शरण स्थली है। बहुत सारे प्रकार के सांप यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जंगली कुत्ता, बोनेट, भेड़िया इत्यादि भी पाए जाते हैं। तो सेंचुरीज भी बायोडाइवर्सिटी से रिच होती है। यहाँ पर बहुत सारे प्रकार के वेजिटेशन भी पाए जाते हैं जिनको प्रोटेक्शन दिया जाता है, और साथ ही साथ एनिमल्स को भी हम प्रोटेक्शन देते हैं सेंचुरीज में, कंजर्व करने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे 11 सेंचुरीज है, 11 प्रकार की सेंचुरीज हमारे छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। सेंचुरीज इन सीजी छत्तीसगढ़ में 11 प्रकार की सेंचुरीज है जो 9 जिलों में स्थित है। ये 11 सेंचुरी छत्तीसगढ़ के 9 जिले में स्थित है। जैसे पहली सेंचुरी है तमोर पिंगला सेंचुरी, ये बलरामपुर जिले में स्थित है। इसके अलावा बलरामपुर में भी सेमरसोत अभ्यारण भी है, सेमरसोत सेंचुरी है। तमोर पिंगला छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण है जो 608 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। सेमरसोत अभ्यारण जो है 446 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा हम देखते हैं तो बादलखोल सेंचुरी, ये जसपुर जिले में है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी सेंचुरी है जो 105 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इसके अलावा रायगढ़ में हमको देखने को मिलता है गोमर्दा सेंचुरी जो 278 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। महासमुंद में बाघ नवापारा अभ्यारण है जो 245 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा गरियाबंद जिले में उदयंती अभ्यारण है, 231 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। धमतरी जिले में सीता नदी अभ्यारण है जो 543 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा जो बीजापुर जिले में हमको दो सेंचुरी देखने को मिलता है, यहाँ दो अभ्यारण है, एक है पामेर अभ्यारण और दूसरा है भैरमगढ़ अभ्यारण। पामेर अभ्यारण 262 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और भैरमगढ़ अभ्यारण जो है 143 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसके अलावा जो है भोरमदेव डिस्ट्रिक्ट में, कवर्धा डिस्ट्रिक्ट में भोरमदेव अभ्यारण है जो 163 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, और मुंगेली जिले में अचानक मार अभ्यारण है जो 551 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अचानक मार को हम टाइगर रिजर्व के रूप में भी विकसित किया गया है, यहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्शन प्रदान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये बायोडाइवर्सिटी से रिच है, जहां पर 3 प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान और 11 प्रकार की सेंचुरीज है। यहाँ पर का फॉरेस्ट एरिया लगभग जो है 44% के आसपास है, और जहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हमको देखने को मिलता है। और मेन जो फॉरेस्ट है यहाँ पर वो साल और सागौन का है। साल के वन सबसे ज्यादा मात्रा में है, इसके अलावा सेकंड स्थान में है सागौन के फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं। अगला ले सकते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में इसका उपसंहार हम देखें तो एक्चुअल में बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी से ही जीवन है। अगर बायोडाइवर्सिटी हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, उसको किसी भी रूप से क्षति होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जीवन निर्वाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है। हमको बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ताकि लोगों का सर्वाइवल सही बना रहे, जीवों का सर्वाइवल सही बना रहे। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी से ही हमको विभिन्न प्रकार के मेडिसिंस और फूड मिलते हैं। लेकिन आज के समय में मानव अपनी स्वार्थी
आपूर्तियों के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बायोडायवर्सिटी को लगातार खत्म करने में लगा हुआ है। लगातार जंगलों की कटाई हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण लगातार जंगल काटे जा रहे हैं और बायोडायवर्सिटी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो आगे घातक हो सकता है हमारे लिए। तो इसलिए जो है बायोडायवर्सिटी को सेव कीजिए और अपने लाइफ को सेव कीजिए। सेव बायोडायवर्सिटी, कंजर्व बायोडायवर्सिटी एंड सेव लाइफ। थैंक यू।